और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्तमान में बृहस्पति ग्रह के होने वाले गोचर के ऊपर बात करेंगे। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति मकर राशि से होकर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति पहले नीच के थे, अब अपनी नीच की राशि मकर से को छोड़कर कुंभ में गोचर करेंगे। तो यह गोचर कर्क लग्न या फिर कर्क राशि वाले जातक को किस प्रकार फल देने वाला है, इनके लिए किस प्रकार के समय उत्पन्न होने वाले हैं, इसके ऊपर हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो बहुत ही विशिष्ट विश्लेषण होने वाला है। इसमें हम कई सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे और कुछ बहुमूल्य पॉइंट्स हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। कर्क लग्न वाले जातक हों या फिर कर्क राशि वाले जातक हों, आप दोनों के लिए यह समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। उसका क्या रीजन है, कब तक अनुकूलता नहीं रहेगी, इन सभी विषयों पर हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। और दूसरी बात कि आपको यह राशिफल आपको अपने लग्न की राशि तथा चंद्र राशि दोनों के ही आधार पर समझना है। अब दोनों का आधार अलग अलग है। लग्न की जो राशि होती है, जैसे आपका फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर अगर चार नंबर है या फिर इसे हम कह सकते हैं कर्क राशि है, तो यह आपके लग्न की राशि हो गई। दूसरा है आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी हो, लग्न में हो या फिर कहीं पर भी हो, और जहां पर जिस भाव में है उस भाव की जो राशि है वो आपकी चंद्र की राशि हो गई। तो ये दोनों का अलग अलग आधार है। लग्न की राशि आपके फिजिकल फॉर्म को दर्शाता है, रियलिटी को दर्शाता है, आपके साथ एग्जैक्टली क्या घटित होगा इस गोचर के कारण उसे बतलाता है। और जो चंद्र की राशि है उसके आधार पर हम आपके मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं, आपके मनोभावना और आपके मन में, आपके माइंड में बृहस्पति का यह गोचर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा उसे हम समझ सकते हैं। तो कर्क लग्न वाले जातक हो या फिर कर्क राशि वाले जातक हो, मैं पुनः आपको कहता हूं यह वीडियो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पूर्ण देखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आप सभी से यह भी अनुरोध है, कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो शायद ही पूरे YouTube में प्राप्त हो। आइए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज का हमारा विषय कर्क राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति का गोचर है। तो पहले हम मूल रूप से बात करेंगे बृहस्पति कुंभ राशि में किस प्रकार से फलित होते हैं। बृहस्पति ग्रह क्या है, इसे समझने के लिए हम कुछ बहुमूल्य पॉइंट्स लेंगे। पहले हम बृहस्पति को समझते हैं। बृहस्पति ग्रह ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान विद्या विवेक के कारक ग्रह है, आपके विजडम के कारक ग्रह, आपके होपफुलनेस के कारक ग्रह हैं, साथ ही आपके गुरु, आपके पिता और आपके जीवन में आपके भाग्य, आपकी शिक्षा, आपके संतान, आपके विवाह, बहुत सारे चीजों को एक साथ कवर करते हैं। साथ ही आपके जीवन में आपकी वित्तीय स्थिति अर्थात की आपका फाइनेंशियल कंडीशन, इन सभी चीजों को बृहस्पति से देखते हैं। उसी प्रकार जो कुंभ राशि है जिसमें बृहस्पति गोचर करने वाले, यह कुंभ राशि मूल रूप से कुंडली का 11th हाउस है, क्योंकि 11 नंबर और यह 11th हाउस मूल रूप से जो दर्शाता है वो वही कुंभ राशि दर्शाता है। तो जो 11th हाउस है वो आपके जीवन में आपके किसी भी प्रकार के आय का स्थान है, चाहे वो आपका आर्थिक आय हो या फिर किसी व्यक्ति का आय हो या फिर किसी प्रकार का शुभ आय का स्थान है, निजी आय का स्थान है, या आपके फिक्स्ड इनकम का स्थान है जिसे हम सैलरी कहते हैं, आपके बड़े भाई बहन, आपके नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग्स, आपके कार्य स्थान से रिलेटेड जो भी उपलब्धियां हैं, आपके प्रमोशन, समाज में पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति को हम 11th हाउस से देखते हैं। उसी प्रकार 11th हाउस से हम समाज से आपका रिलेशन को भी देखते हैं, किस प्रकार से आपका समाज से रिलेशन होगा, संबंध होगा, इसे हम 11th हाउस से ही देखते हैं। तो जब 11th हाउस में या फिर कुंभ राशि में बृहस्पति आ जाए तो बृहस्पति तो पहले से ही प्रफुल्लित है, क्योंकि वह अपने नीच की राशि मकर राशि को छोड़ रहे हैं और कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो बृहस्पति बहुत ही फेवरेबल फील करेंगे। वैसे तो बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है यहाँ पर भी बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति को कर्म करना पसंद नहीं है, कर्म स्थान में इसलिए वो नीच के माने जाते हैं, कर्म के बाद समाज का स्थान है। तो समाज में बृहस्पति का स्थान है, वैसे बृहस्पति एक गुरु हैं, देवताओं के गुरु माने गए हैं और इनका काम है शिक्षा देना,
विद्या प्रदान करना, लोगों को असिस्ट करना, नर्चर करना, तो समाज में इसीलिए थोड़ा अनुकूल फील करते हैं बृहस्पति। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अब कर्क लग्न वाले जातक के लिए समझते हैं, कर्क लग्न बोले या फिर राशि बोले, तो कर्क राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी है और आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। यह आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव में बृहस्पति को हम बहुत ज्यादा शुभ नहीं कहते, पहली बात। दूसरी बात है कि यह आपके छठे भाव के स्वामी होकर यह आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो छठे भाव से रिलेटेड चीजों में वृद्धि होगी। छठे भाव से रिलेटेड चीजों में आप एफर्ट डालेंगे और वो चीजें आपको प्राप्त होंगी। जैसे सिक्स हाउस क्या है, आपका रोग ऋण और शत्रु है, यह आपके लोन्स का भी स्थान है, छोटे छोटे लोन्स। तो हो सकता है आप बहुत दिनों से लोन लेना चाह रहे हैं और वह लोन अभी आपको प्राप्त हो जाएगा और यह बड़ा लोन का स्थान है। तो आप कुछ छोटे लोन लेना चाह रहे थे लेकिन वो आपको बड़े रूप से प्राप्त होगा और अचानक से प्राप्त होगा। बृहस्पति का यह गोचर, यदि आपके जीवन में बृहस्पति की किसी प्रकार की दशा चल रही है तो आपके जीवन में कुछ उथल पतल को तो अवश्य करेगा, अर्थात कि सडन अप्स एंड डाउन आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी है और भाग्य स्थान से यह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस से 8th हाउस 12th हाउस में होता है, तो 9th हाउस से रिलेटेड चीजों के लॉसेस का स्थान है, अर्थात कि सबसे पहले आपके भाग्य को क्षय करेगा, भाग्य में कमी उत्पन्न होगी। लेकिन आध्यात्मिक तौर से देखा जाए तो सबसे पहले तो यह मीन राशि है। मीन राशि मूल रूप से 12वां भाव है। 12वां भाव क्या होता है कि लॉसेस का तो स्थान है ही, और साथ में इससे हम पिलग्रिमेज को देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या फिर हम विदेश यात्रा को देखते हैं, कोई भी वैसे आइसोलेटेड प्लेस जैसे आश्रम, इन चीजों को देखते हैं, कोई तीर्थ स्थान, तो कोई गुप्त रहस्यमय चीज, कोई आउटर डायमेंशन का चीज जो कि बहुत दूर, काफी दूर अपने कल्चर से, अपने अपनी प्रकृति से अलग प्रकार की चीज हो, फॉरेनर चीजों। तो यहां पर से बृहस्पति अपने 12th में जा रहे हैं, चूंकि ये 9th हाउस है और यहां पर मीन राशि है, तो यह भी संभव है कि आप अपने 9th हाउस की चीजों को प्राप्त करने के लिए, जैसे 9th हाउस क्या है कि तीर्थ स्थान है, धर्म अध्यात्म और हायर फिलोसफी ऑफ लाइफ है, तो अपने हायर फिलोसफी को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को, अपने जीवन के सत्य को समझने के लिए, पूर्व जन्म के चीजों को समझने के लिए आप विदेश यात्रा करेंगे, क्योंकि ये 9th हाउस से 12th हाउस में, तो आप विदेश यात्रा करेंगे, कोई दूर प्लेस जाएंगे। और यह 12th हाउस चूंकि 8th हाउस में है इसीलिए वह प्लेस काफी गुप्त रहस्यमय होगा, जो लोगों के नजर से दूर हो, और वहां पर आप इससे निमित्त कुछ कर्म करेंगे जिससे आपको अपने पूर्व जन्म की चीजों को प्राप्त हो पाएगा, साथ ही आप अपने भाग्य को, अपने हायर फिलोसफी को प्राप्त कर पाएंगे, अपने गुरु को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत, इसे हम निगेटिव भी नहीं कर सकते लेकिन बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक तौर से देखा जा सकता है, लेकिन भाग्य को यह नुकसान पहुंचाने वाला होगा और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, धन खर्च होगा, आपका हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे आपके जीवन में, क्योंकि छठा भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठ जाए तो जो चीजें छोटे छोटे रूप से आपको हो सकती थी, जैसे कि कोई भी रोग, कोई भी डिजीज, कोई हेल्थ प्रॉब्लम जो धीरे धीरे अकर होता है जीवन में, वो आपको सडनली इवेंट क्रिएट हो जाएगा, सडनली आपके जीवन में वो क्रिएट हो जाएगा और जिसके कारण आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इसीलिए यह समय अच्छा नहीं माना जाएगा आपके कर्क राशि वाले जातक के लिए। अब हम देखते हैं बृहस्पति की दृष्टि कहां कहां पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि 5, 7 और 9 की दृष्टि होती है। बृहस्पति का पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ रहा है, उसी प्रकार बृहस्पति का सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ता है और बृहस्पति का नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रहा है। तो बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट है और वो सदैव किसी ना किसी रूप से शुभता क्रिएट करेंगे ही करेंगे। जैसे एक अशुभ प्लैनेट किसी ना किसी रूप से अशुभता जीवन में लाता है, उसी प्रकार बृहस्पति जैसे अष्टम भाव में आ रहे हैं तो ये आपके वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी करने वाले हैं। वैवाहिक सुख हो, यौन सुख हो, अपनी पत्नी से सुख हो, या फिर आप कोई अकल्ट, मिस्टिसिज्म, कोई सिद्धि साधना, योगा, मेडिटेशन,
इन चीजों को करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। वहीं दूसरी ओर यह जो अष्टम भाव है यह आयु का स्थान है, जो कुंडली में मृत्यु का स्थान होता है वो सप्तम भाव होता है, क्योंकि आयु से जो द्वादश है वो सप्तम है, तो आयु के लॉस का स्थान होता है मृत्यु। तो यह जो भाव है अष्टम भाव ये आयु का स्थान है, तो बृहस्पति जब आयु स्थान में आए तो आपके आयु में वृद्धि होती है, ये सब चीजें अच्छा होगा बृहस्पति के इस गोचर से। उसी प्रकार बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट है, तो जहां पर भी इसकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से रिलेटेड चीजों को बृहस्पति शुभता प्रदान करते हैं, उस भाव में यदि कुछ दोष था कुछ अशुभता थी तो उसका नाश करते हैं। मान लीजिए किसी भाव में चंद्रमा शनि का विष योग बन रहा है और वहां पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो उस विष योग में थोड़ी कमी उत्पन्न होती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वह चीजों को और विकृत कर देता है। तो उसी प्रकार बृहस्पति की अष्टम भाव से दृष्टि कहीं पर भी पड़े तो वो आपको मोस्टली अच्छा फल ही प्रदान करेगा। जैसे कि पंचम दृष्टि बृहस्पति का जो होता है वो सीखने के लिए होता है, बृहस्पति कुछ भी सीखना चाहते हैं पंचम दृष्टि से, कुछ शिक्षा अर्जन विद्या अर्जन करना चाहते हैं। तो यहां पर बृहस्पति का जो दृष्टि पंचम दृष्टि 12th हाउस में पड़ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आप अपने अष्टम भाव के चीजों को प्राप्त करने के लिए आप विदेश की यात्रा करेंगे और वहां पर उन चीजों को जाकर सीखेंगे, वहां पर उन चीजों से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, शिक्षा अर्जन विद्या अर्जन करेंगे। अष्टम भाव आपका विवाह वैवाहिक संबंध का स्थान है, वैवाहिक सुख का स्थान है, और जो 12th हाउस है वो आपके सैया सुख का स्थान भी माना गया है। तो आपको यह साफ दर्शाता है कि बड़े रूप से बेड प्लेजर प्राप्त होगा, बड़े रूप से आपको कोई आध्यात्मिक प्लेस जाने का मौका मिलेगा, कोई गुरु से मिलने का मौका मिलेगा जो कि गुप्त हो, जो कि रहस्यमय हो। कोई जैसे कि आप कोई हिमालयन रेंज में जाकर कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री विजिट कर सकते हैं, वहां पर कुछ दिन रुक सकते हैं, तो इस प्रकार की अनुभूति आपको प्राप्त होगी जो कि लोगों से छिपा हुआ, जैसे सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों ही चीज ऐसा चीज है जो लोगों से छिपा हुआ है और दोनों चीज एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। तो लोगों से छिपे हुए चीजों में आपको इस वर्ष एक्टिव आप रहेंगे और उसमें एक्सेस आपको प्राप्त होगा। तो 12th हाउस एक आउटर डायमेंशन का स्थान है और कोई आइसोलेटेड प्लेस का स्थान है, तो इस अवधि में आप कोई आइसोलेटेड प्लेस विजिट करेंगे, कोई दूर दराज इलाका विजिट करेंगे और वहां पर आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी, गुप्त रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों हम बृहस्पति की दूसरी दृष्टि के ऊपर बात करते हैं। एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाया था, इस पार्ट से कोई टेक्निकल इशू के कारण वीडियो मेरा लॉस्ट हो गया, इसीलिए मैं फिर से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो बृहस्पति की जो दूसरी दृष्टि होती है वो सप्तम दृष्टि होती है, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव में पड़ रही है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि बृहस्पति की दृष्टि सदैव शुभता को क्रिएट करती है और उस भाव से रिलेटेड सभी दोषों का नाश करती है। तो बृहस्पति का दृष्टि द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव आपका धन का स्थान माना गया है। धन, आपके परिवार, आपका वैल्यू सिस्टम, आपके संस्कार और जो आपका जमा धन है विशेष तौर पे बैंक बैलेंस या फिर एसेट्स, तो किसी प्रकार के एसेट्स को हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति जो दृष्टि डाल रहे हैं यह साफ दर्शाता है कि आपके परिवार के मध्य तथा आपके इन लॉज के फैमिली के मध्य, क्योंकि ये आपके परिवार का स्थान है और ये आपके इन लॉज की फैमिली का स्थान है, तो आपके परिवार तथा आपके इन लॉज के परिवार के मध्य कोई ऐसा डील होगा या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऐसा एग्रीमेंट होगा, अर्थात कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपसी ज्वाइंट एसेट के लिए काम किया जाएगा। तो आप दोनों को फायदा होने वाला है, आपके परिवार को तथा आपके इन लॉज के फैमिली मेम्बर्स को, साथ ही आपके इन लॉज के फैमिली मेम्बर और आपके अपने परिवार के मध्य यदि किसी भी प्रकार की अनबन, कोई मनमुटाव की स्थिति चल रही थी तो उसमें सुधार होगा। साथ ही कुंडली के द्वितीय भाव में यह दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, इसीलिए घर परिवार का जो माहौल है वो काफ़ी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। आपके घर परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है या आपका खुद का विवाह हो सकता है या फिर आपके संतान का विवाह हो सकता है और किसी व्यक्ति का, कोई बालक का जन्म भी आपके घर में इस वक्त हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा समय है अपने पर्सनल
जोन को लेकर, अपने फैमिलियर इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ही अच्छा जोन है। आपको अपने कुटुंबों के साथ सुख भोगने का अनुभूति इस वक्त प्राप्त होने वाला है। और जो मैंने आपको बतलाया कि आपके इन-लॉज के फैमिली तथा आपके फैमिली के मध्य कोई ऐसे काम होंगे, कोई ऐसा जॉइंट एसेट का काम होगा जो कि आप दोनों को लॉन्ग टर्म में आगे जाकर काफ़ी फायदा दे। बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से भी इसे सोचा जा सकता है, या फिर कोई पर्सनल, कोई पारिवारिक संबंध ही आगे आप बढ़ाएंगे और उससे आप दोनों को फायदा होगा। बृहस्पति का जो नवम दृष्टि है वो कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ रहा है, तो बृहस्पति का नवम दृष्टि जहाँ पर भी पड़ता है वहाँ पर से रिलेटेड चीज़ों में भाग्य उदय करते हैं बृहस्पति, उन चीज़ों का भाग्य उदय होता है। तो कुंडली का चतुर्थ भाव माता भूमि वाहन मकान का स्थान है, और माता हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह आपके कंफर्ट जोन का स्थान है, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। तो माता एक ऐसे फिगर है हमारे जीवन में जो कि हमें जन्म से पहले से अपने शरीर में पाल रहे हैं। तो माता का जो कोक है वो चतुर्थ भाव कहा गया है। माता का रियल स्थान थर्ड हाउस है, और जो थर्ड हाउस से सेकंड है वो माता का सुख का स्थान माना गया है। इसीलिए चतुर्थ भाव को हम माता कहते हैं, माता को सुख कहते हैं। माता के द्वारा प्राप्त संपत्ति, माता के द्वारा प्राप्त सुख को चतुर्थ भाव से देखते हैं, साथ ही आपकी पैतृक संपत्ति को भी चतुर्थ भाव से देखते हैं, आपके पेरेंटिंग को, आपके जो संस्कार हैं जो आपको अपने माता पिता से प्राप्त हुए वह भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अब यहाँ पर बृहस्पति का नवम दृष्टि पड़ रहा है, तो सबसे पहले आपकी माता जी के जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी वो सभी समाप्त होंगी, और आपको विशेष तौर पे माता जी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। इस अवधि में यदि आप अपने घर से, अपने मातृभूमि से दूर रहते हैं तो आपको अपने घर जाने का अवसर प्राप्त होगा। अपने घर, अपने परिवार में जाकर अपने कुटुंबों के साथ आप सुख को भोगेंगे, अपनी माता जी का सुख प्राप्त करेंगे, अपनी माता जी का प्रेम स्नेह प्राप्त करेंगे। साथ ही यह भाव जमीन भूमि वाहन मकान का स्थान है, तो बृहस्पति के नवम दृष्टि के कारण आप इस वक्त कोई अपना संपत्ति खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, और यदि आप वाहन या फिर कोई पशु पक्षी ही खरीदना चाह रहे हैं तो वो भी आपको खरीदने का मौका प्राप्त होगा और आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी, क्योंकि यह चतुर्थ भाव सुख का स्थान है, आपकी खुशियों का स्थान है, आपकी कंफर्ट जोन, पर्सनल जोन का स्थान है। तो इन सभी चीज़ों में बृहस्पति बहुत ही अच्छा एक शुभ एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, यह बृहस्पति की तीन दृष्टि पंचम सप्तम और नवम आपकी कुंडली के द्वादश द्वितीय और चतुर्थ भाव में पड़ती है, इसका फल मैंने आपको बतलाया। अब मैं कुछ अन्य पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बतलाया था, कर्क लग्न के लिए बृहस्पति का यह गोचर पूर्ण रूप से आपको शुभता प्रदान नहीं करेगा, बल्कि हम यह एक अशुभ गोचर कह सकते हैं। उसका रीज़न है कि आपके अष्टम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे हम आने वाले पॉइंट्स में कुछ अन्य और ऐसे पॉइंट कवर करेंगे जो आपको जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम जानते हैं अन्य पॉइंट के ऊपर कि बृहस्पति जब किसी भी भाव से चतुर्थ और नवम में रहते हैं तो उस भाव से रिलेटेड आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि इस कुंडली में या फिर कर्क राशि वाले जातक के लिए आपके पंचम भाव से बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्थित है। तो यहाँ से जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये पंचम भाव का सुख आपको प्राप्त होगा बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर। पंचम भाव क्या है वो समझते हैं। पंचम भाव जो है वो आपको संतान का स्थान माना गया है, शिक्षा अर्जन विद्या अर्जन का स्थान है, संतान का स्थान है, पूजा पाठ का स्थान है, मंत्र शक्ति का स्थान है। आपके जीवन में जो भी आपका पैशन है, जो आप बहुत ही पैशनेटली करते हैं, जो स्किल्स से थर्ड हाउस है वो आपका पैशन का स्थान होता है। साथ ही स्पेकुलेशन बिजनेस हो या फिर आपका लव लाइफ हो, लव पार्टनर हो, आपका रोमांटिक लाइफ हो, ये सभी चीज़ें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। अब फिफ्थ हाउस से चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो चतुर्थ का अर्थ है सुख, तो फिफ्थ का सुख आपको प्राप्त होगा। तो आप किसी भी एज में हैं, आपके लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा फल देगा।
इस प्रस्पेक्टिव से हम जब देखेंगे तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको शिक्षा अर्जन विद्या अर्जन होगा, कोई गूढ़ विद्या को आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई मंत्र शक्ति या फिर तंत्र विद्या, कोई अकल्ट मिस्टिसिज्म को आप प्राप्त कर सकते हैं, वैसे गुरु आपको प्राप्त हो सकते हैं जो आपको डीपेस्ट साइंस को समझाएंगे, जो कि आम लोगों के मध्य व्याप्त नहीं है, समाज में व्याप्त नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट यदि उस प्रकार की विद्याओं में है तो आपको इस वक्त गूढ़ विद्या की प्राप्ति होगी। कोई रिसर्च प्रोफेशनल है, आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इस समय आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च वर्क के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। उसी प्रकार यदि आप संतान के अभिलाषा रखते हैं, आपको संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति आपको करनी है, तो इस वक्त आपको संतान की प्राप्ति होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। यदि आपके संतान हैं, उनके जीवन से रिलेटेड कोई शुभता आप चाहते थे तो इस वक्त आपके संतान के जीवन में भी शुभता का आगमन होने वाला है। उसी प्रकार आपके लव लाइफ, आपको लव पार्टनर की प्राप्ति होगी, आपका जो लव का जीवन है, जो रोमांस का जीवन है, वो बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, उसका सुख आप पूर्ण रूप से भोग पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर पूर्व से ही अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो ऐसे जातक को अपने वैवाहिक सुख का पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। अष्टम भाव यौन सुख है, वैवाहिक सुख है, साथ ही जो वैवाहिक संबंध है, संबंध का सुख है। तो जब पंचम से अष्टम में बैठ जाए बृहस्पति और पंचम भाव से चतुर्थ में बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो पंचम भाव से रिलेटेड आपको सुख की प्राप्ति होगी, ये फॉर श्योर है। एक बात मैं आपको और बतला दूं, यदि आप इन्वेस्टर हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, यदि आप छोटे छोटे व्यक्ति से धन इकट्ठा कर कर इन्वेस्ट करते हैं और फिर उससे धन कमाते हैं, या फिर इस प्रकार के चीज़ों का आपका कुछ बिजनेस है, कुछ काम है रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ पीपल एंड रिलेटेड टू स्पेकुलेशन, यदि इन चीज़ों से आप डील करते हैं तो इस वक्त आपको अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। कुछ कुछ बीच में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु की दृष्टि है पंचम भाव में, तो यहाँ पर पूर्व से ही केतु ग्रह विराजमान है, लेकिन हाँ केतु यहाँ पर उच्च के हैं। बस और बस मैं आपको यही कहूँगा कि राहु केतु को आपको समझना है, मैंने इससे पूर्व के वीडियो में राहु केतु का गोचर के ऊपर वीडियो बनाया था, उसे आप देखें, आपको राहु केतु किस प्रकार से इफेक्ट करने वाले हैं उसे आप देखें, उसके बाद किसी बड़ी चीज़ में प्रोसीड करें। और मैं आपको आपके लव लाइफ के लिए भी यही चीज़ कहना चाहूँगा। आइए बृहस्पति के ऊपर कट। उसी प्रकार आपकी कुंडली के द्वादश भाव से बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, द्वादश से छठा सात होता है, यहाँ आठ, ये नौ, तो द्वादश भाव से रिलेटेड आपको भाग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि द्वादश से नवम में है बृहस्पति, तो द्वादश से रिलेटेड बहुत ही अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। इस अवधि में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बतलाया था जब बृहस्पति की दृष्टि के ऊपर बात कर रहा था, तो बृहस्पति की दृष्टि पंचम दृष्टि वहाँ पर पड़ती है, तो पंचम दृष्टि का अर्थ है कि कुछ सीखने के लिए आप वहाँ जाएंगे, और जब द्वादश से नवम में बृहस्पति है तो आप कुछ सीखने के लिए विदेश जाएंगे और उस विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी, भाग्य की प्राप्ति होगी, आपके जीवन के पूर्व जन्म के शुभ कृत्य कर्म इस अवधि में खुलने वाले हैं और वह विदेश से खुलेंगे, या फिर कोई फॉरेन एलिमेंट, कोई फॉरेन व्यक्ति का आगमन आपके जीवन में होगा और उससे आपका भाग्योदय होगा। उसी प्रकार बृहस्पति आपके दादी जी के स्थान के स्वामी हैं, ये दादी जी का भी स्थान है, तो दादी जी के जीवन में शुभता प्राप्त होगी, यदि वो कोई कष्ट में थे तो उनका कष्ट समाप्त होगा और आपको अच्छा स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट इस समय प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति द्वादश से नवम में है और है अष्टम में, तो अष्टम में बृहस्पति जाकर रिसर्च वर्क करेंगे, जो गूढ़ विद्या है, जो धर्म है, अध्यात्म है, विशेष तौर पे अध्यात्म, अध्यात्म का जो जड़ है वो काफ़ी डीप है, इसलिए अष्टम भाव अध्यात्म का जड़ माना गया है, तो यहाँ पर से बृहस्पति रिसर्च वर्क करेंगे और आप फिर कोई फॉरेन प्लेस विजिट कर सकते हैं, कोई आइसोलेटेड प्लेस विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोई ग्रेट व्यक्ति मिलेंगे या फिर कोई गुरु की प्राप्ति आपको होगी, या फिर स्वतः ही नेचर वाइज नेचर आपके लिए खुला रहेगा,
और अगर आपने अपने आप को उस प्रकार से ट्रेन कर रखा है, उस प्रकार से अपने आप को बना रखा है, तो आप खुद ब खुद ही नेचर से ही उस आध्यात्मिक ज्ञान को अनुभव कर सकेंगे और आपको पारलौकिक चीज़ों की अनुभूति भी इस वक्त बृहस्पति करवा सकते हैं। तो एक आध्यात्मिक तौर से तो बृहस्पति का यह गोचर बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्रचुर मात्रा में अध्यात्म का पालन अपने जीवन में करते हैं, यदि आप योगा मेडिटेशन करते हैं और विशेष तौर पे आप प्राणायाम करते हैं, तो मैं आपको बतला दूं, जिस कारण मैं इस गोचर को आपके लिए अशुभ बोल रहा हूं, शायद यह गोचर आपके जीवन में एक बड़ा माइलस्टोन रच जाए, जिससे आपको यह पता चल जाए कि आपका जन्म इस जीवन में क्यों हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे पॉइंट्स में मैं बात करूँगा। तो मैंने आपको बृहस्पति के शुभ तत्वों के ऊपर बात किया। अब मैं एक पॉइंट है जो 4 नंबर में मैंने लिखा है, किसी भी भाव से जब बृहस्पति दशम भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव से रिलेटेड आपको अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इस कुंडली में, कर्क राशि की कुंडली में बृहस्पति ग्रह आपके एकादश भाव से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ से पंचम 7, 8, 9, 10, तो एकादश भाव से रिलेटेड आपको बृहस्पति अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। अब एकादश भाव से रिलेटेड क्या अशुभ फल मिलेगा, जैसे कि एकादश भाव कुंडली का जीवन में आय का स्थान है, आप किसी प्रकार के आय करते हैं, चाहे वो धन का आय हो या फिर मान सम्मान का आय हो। साथ ही यह भाव डिजायर्स का स्थान है, आपके जीवन में महत्वाकांक्षाओं का स्थान है, ऐसे महत्वाकांक्षा जो आप समाज से रखते हैं, अपने कर्म से रखते हैं, अपने धन से रिलेटेड रखते हैं, उस प्रकार के महत्वाकांक्षाओं का स्थान कुंडली का एकादश भाव है। एकादश भाव से आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल, आपके कलीग्स को देखते हैं, आपका समाज है ये, आपके समाज में आपका संबंध दूसरे लोगों से, वो हम एकादश भाव से देखते हैं। आपके बड़े भाई बहन का स्थान है। तो दोस्तों, यह जो भी कारक तत्व मैंने बतलाए हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड जीवन में संघर्ष बना रहेगा, आपको उन चीज़ों से रिलेटेड जीवन में काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि बृहस्पति जब भी किसी भाव से दशम में गोचर करते हैं तो उस भाव से रिलेटेड एक उदासीनता आ जाती है और उस चीज़ में बृहस्पति पूर्ण रूप से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आपके संबंध हो सकता है अपने फ्रेंड्स से, अपने नेटवर्क से, अपने कलीग से बहुत अच्छे ना हों, और इस संबंध खराब होने के कारण आप हो सकता है अपने कर्म स्थान में उपलब्धियों को प्राप्त ना कर पाएं, क्योंकि ये कर्म स्थान की उपलब्धि का स्थान है, प्रमोशन पद प्रतिष्ठा का स्थान है, समाज में मान सम्मान का स्थान है, तो इन चीज़ों में थोड़ी कमी आ सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपको यह बतलाया कि बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, कर्क राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे तो अष्टम भाव का क्या फल है, उसके बाद मैंने आपको बृहस्पति के दृष्टि के ऊपर बात किया, और फिर बृहस्पति किसी भाव से चतुर्थ और नवम में होते हैं तो आपको अच्छे फल देते हैं, और किसी भाव से दशम में होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। ये सभी पॉइंट्स मैंने बात किया, ये एक विश्लेषण था जो आप अपने इस गोचर से समझ सकते हैं। अब इसी गोचर से रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कवर करूंगा, जो आप अपने जीवन में उस पॉइंट को देखकर कुछ सिग्निफिकेंट आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट एक शुभ पॉइंट है, पुष्कर नवांश। मैं आपको बतला दूं, किसी भी राशि में 2 पुष्कर नवांश होते हैं। नवांश आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, मैंने इसके ऊपर भी बहुत ही डिफाइंड वे में वीडियो बनाया था कि नवांश क्या है। एक राशि 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री को 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसीलिए एक पार्ट 3.2 डिग्री का हो जाता है। तो उस प्रकार से 9 नवांश हो गए, 0 से 3.2 डिग्री तक एक नवांश, 3.2 डिग्री से 6.4 डिग्री तक दूसरा नवांश, 6.4 डिग्री से 10 डिग्री तक तीसरा नवांश, इसी प्रकार से और 3 और 3, 30 तक 9 नवांश कंप्लीट होते हैं। अब इस 9 नवांश में 2 ऐसे नवांश होते हैं जो कि पुष्कर नवांश कहलाते हैं। यह पुष्कर नवांश एक बहुत ही शुभ नवांश माना जाता है। यदि कोई भी ग्रह, और विशेष तौर पे कोई बड़ा ग्रह, यदि पुष्कर नवांश से क्रॉस करे तो उस समय आप जीवन में सिर्फ और सिर्फ उन्नति को प्राप्त करेंगे, चाहे वो ग्रह आपकी कुंडली में नीच का हो, कितने भी प्रकार से पाप ग्रसित हो,
या अशुभ हो, दोषपूर्ण हो, फिर भी वह ग्रह आपको अल्टीमेटली शुभ ही फल देगा, चाहे वह कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए इस पॉइंट को समझने के लिए यह आपको पहले सुनिश्चित करना होगा कि क्या आपके जीवन में वर्तमान में बृहस्पति ग्रह की किसी प्रकार की दशा चल रही है, विंशोत्तरी दशा में महादशा, अंतरदशा, प्रतिअंतर दशा, या फिर कोई सूक्ष्म दशा, या फिर योगनी दशा में ध्यान्या योगनी की दशा चल रही हो, या फिर धनुचर की दशा हो, मीनचर की दशा हो, तो इन दशाओं में बृहस्पति आपके जीवन में प्रभावी होते हैं। यदि आपके जीवन में वर्तमान में बृहस्पति प्रभावी हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय आने वाला है जब बृहस्पति अपने पुष्कर नवांश में गोचर करेंगे। कुंभ राशि एक एयरी साइन है, एक वायु तत्व का राशि है, इसीलिए इसमें नवांश नंबर 6 और 8, छठा नवांश और आठवां नवांश पुष्कर नवांश माना जाता है। पुष्कर नवांश के ऊपर बहुत ही डिफाइंड वे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इसे अच्छे से और समझ सकते हैं। बस मैं आपको अभी क्लियरिटी दे रहा हूं कि किस प्रकार से ये समय बहुत ही बेहतरीन होगा यदि आप इसका यूज़ कर पाएँ। तो जब भी बृहस्पति छठे और आठवें नवांश में गोचर करेंगे कुंभ राशि के, तो आप इस समय बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए आप काफ़ी दिनों से कुछ प्लानिंग कर रहे थे और आपको कुछ एग्जीक्यूट करना था, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, व्यापार, आपके विवाह, आपके विदेश यात्रा, जमीन भूमि वाहन का खरीद बिक्री हो, या फिर कुछ भी हो, जीवन में कोई भी बड़ा डिसीजन है, आप इस समय ले सकते हैं जब बृहस्पति छठे और आठवें नवांश में रहेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब कैसे हम जाने कि बृहस्पति छठे और आठवें में है, तो उसके लिए आपको समझना है कि बृहस्पति जब भी 16.4 डिग्री से 20 डिग्री तक रहेंगे तो बृहस्पति कुंभ राशि के छठे नवांश में गोचर कर रहे हैं। आपको बृहस्पति की डिग्री को देखना होगा रेगुलरली, या फिर आप पहले ही देख कर उसका डेट नोट कर कर रख ले। उसी प्रकार बृहस्पति जब 23.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक रहेंगे तो बृहस्पति आठवें नवांश में रहेंगे, और बृहस्पति का यह आठवां नवांश भी पुष्कर नवांश है, जो कि बहुत ही बेहतरीन समय रहने वाला है। पुष्कर नवांश के ऊपर बहुत ही डिफाइंड वे में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पर आप इसे और भी विस्तार से समझेंगे। तो ये पुष्कर नवांश की पॉइंट हुई। अब मैं आपको एक और बतलाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अशुभ है। पूरे 12 राशि में सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि वाले जातक के लिए यह पॉइंट है, 64th नवांश। यह 64th नवांश क्या है ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, बस मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि यह जो समय है, बृहस्पति जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे वैसे ही बृहस्पति आपके कुंडली के 64th नवांश में रहेंगे। जैसे कि एक राशि का मैंने बतलाया था छठा और आठवां नवांश, जो कि पुष्कर नवांश होगा, लेकिन जब हम लग्न से स्टार्ट करेंगे, पहला नौ नवांश, दूसरा नौ नवांश, तीसरा नौ नवांश, इस प्रकार से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 7 जा 63 होता है। और जैसे ही बृहस्पति आठवें घर में घुसेंगे तो वो पहला जो नवांश होगा वो 64th होगा, और 64th नवांश सबसे अधिक अशुभ नवांश माना जाता है। उसका रीज़न है कि यह अष्टम भाव का पहला नवांश है और यह मृत्युदायक होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाला होता है और जातक के जीवन में भूचाल ला सकता है। वहीं दूसरी ओर मैंने यह भी कहा था कि यदि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं तो हो सकता है आपके जीवन में ऐसे इवेंट्स क्रिएट हो जो आपके पूरे जीवन को कायाकल्प करके रख दे, जैसे बुद्ध के जीवन को कायाकल्प कर दिया था। आप उस स्पिरिचुअल गोल को समझ पाएंगे, आपके अंदर वो भावनाएं अवेकन हो पाएंगी जिससे आप अपने इस जन्म को सार्थक बना पाएं, अपने इस जन्म के कर्म को पूर्ण कर पाएं। लेकिन एक आम तौर पे जब हम बात करेंगे तो यह 64th नवांश एक अशुभ नवांश है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है अपनी। ये आपके शरीर में चोट पहुंचाएगा, आपके मन में चोट पहुंचाएगा। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, कर्क लग्न के जो जातक हैं, उनके शरीर में कष्ट होने वाला है, और जो कर्क राशि वाले जातक हैं जिनका चंद्रमा कर्क राशि में है, उनके मन में घोर पीड़ा, घोर कष्ट उत्पन्न होने वाला है।
तो जब बृहस्पति 3.2 डिग्री को क्रॉस कर जाएंगे, बृहस्पति जैसे ही कुंभ राशि में घुसेंगे, और तो वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री से 3.2 डिग्री तक जब बृहस्पति रहेंगे तो वो आपका 64th नवांश वो है, 0 डिग्री से 3.2 डिग्री तक। तो यहाँ तक आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, और बृहस्पति से रिलेटेड आप उपाय करें, बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ों का दान करें, इसमें आपको लाभ मिलेगा। घर में कोई पूजन आयोजन करवाएं, जिस दिन बृहस्पति गोचर कर रहे हैं उसी के एक दो चार दिन के अंतराल में शिव वास देखकर घर में रुद्राभिषेक पूजन करवाएं, जिससे शिव की कृपा और महारुद्र की कृपा आपको प्राप्त हो, तो इससे फिर बचा जा सकता है। बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ों का दान करें, गुरुजनों की सेवा करें, तो इस चीज़ से बचा जा सकता है, लेकिन बस आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने इसे बताना सही समझा। तो दोस्तों यह था मेरा संपूर्ण विश्लेषण कर्क राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति का यह गोचर कुंभ राशि में किस प्रकार का फल देगा। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो, यह विश्लेषण पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे जयपुर के कार्यालय में भी आकर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।